बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो मैं आज एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को आपको टोटली कम्प्लीटली समझ भी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए बहुत थैंक्स, और जिनको कुछ चीज़ें क्वेश्चन आंसर करना होता है, जो भी कुछ अपने पूछना होता है, मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दिया करूँगा। और एक हमारी बहन है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि भाई इधर जो स्किन ग्लो के लिए ना मुझे कोई बताएं। मैं उनको बताया था कि आप स्किन ग्लो के लिए देखें, सबसे पहले आपका स्टमिक बेहतर होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टमिक, जब आपका ये क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर कर रहा हूँ, और अगर आपने दोबारा क्वेश्चन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आंसर कर दूंगा और इधर भी बता दिया करूंगा, ठीक है जी। और कुछ बातें और भी कर दूंगा, ठीक है, जो कि आपके फ़ायदेमंद के लिए हों। सबसे पहले आपका स्टमिक ठीक होना चाहिए, आपकी खुराक बेटर होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उनको बताया था कि इंश्योर मिल्क, मैंने एक छोटा सा टॉपिक पहले बनाया था, इससे पहले जो मेरे वीडियो देखेंगे ना उसमें मैंने लिखा हुआ है इंश्योर मिल्क के बारे में ना। इंश्योर मिल्क एक तो वेट गेन करता है, जो एक दोस्त है मेरा वो भी पूछ रहा था कि यार इसका जो फ़ायदा वो बताएं। तो इंश्योर मिल्क आप इस्तेमाल करें, उससे भी बेहतर होगा, और अपना मैदा जो है ना, स्टमिक उसको बेटर रखें, आके खुराक अपनी बेहतर रखें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है जी। सॉरी, एक दो बाइट कोई आ गया था। तो इनको स्टमिक का जब मसला बनता है ना, जिसको भी स्टमिक का मसला बनता है, उसका ना तो फेस ग्लो हो सकता है, ना कोई मसला, क्रिएटिन जो आपकी पैदा होती है ना वो एकदम ठीक नहीं होती। तो जब भी आप यार कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी काम करते हैं, देखिए आप 1000 पूरे दिन में कमाते हैं ना, या पूरे मंथ में 30,000 कमाते हैं, तो यार उसमें से 1000 नहीं तो 2000 अपने लिए जो है खर्च कर लिए करें। अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी है, तो आप उसमें देखें आपकी जिस्मानी जो हालत है ना, आपका जो जिस्म है वो आप अगर फिट रखना चाहते हैं, तो यार उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप पे थोड़ा खर्च करें, ठीक है ना। और जो मैदा है ना, आपका मैदा बेहतरीन होना चाहिए। खुराक है कच्ची सब्जियाँ, आजकल बहुत अच्छा मौसम जा रहा है, फ्रूट्स जा रहे हैं, उसके बाद जनाब किन्नू चल रहा है जो कि इसका जूस पिया जाता है, उसमें आप गाजर वगैरह डाल लें, उसको इस्तेमाल करें, एक मंथ ही इस्तेमाल करके देखें, आपकी जो जिस्मानी हालत है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आजकल की खुराक ब्रायलर खुराक बन जाती है, जैसे कि मुर्गियों की जनाब, जैसे कि मुर्गियाँ हैं वैसे ब्रायलर बनी हुई, हम भी ब्रायलर बन गए हुए हैं, हम लोग खुराक बेटर नहीं खाते ना, तो खुराक अपनी बेटर रखें, सो देन आप भी बेटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब भी एक खुराक का एक जैसे सुबह शाम दोपहर तीन टाइम जो है ना, या सुबह शाम को खाता है या सुबह दोपहर शाम खाता है, तो इसके जो है ना सुबह शाम जो आपकी रूटीन होती है ना, वो खाने की बेहतर होनी चाहिए। सुबह का नाश्ता फिट करें, ठीक है ना, आपको आइस का मसला नहीं बनेगा। शाम का नाश्ता, सॉरी शाम का डिनर, शाम का जब डिनर करते हैं आप, तो उसमें जो खुराक अभी आपकी होगी ना, इतनी क्वांटिटी में रखेंगे यार, मैंने सुबह तक इसको ना जो है ना, इसको अपने आप में जो है ना फिट करना है, अपने आप को जो खुराक में ना, अपने अंदर फिट करना है खुराक को, तो उसका जो है ना खुराक एक क्वांटिटी में खाएं, या अंधा धुंध ना खाएं। दोपहर का जो टाइम होता है उसमें ना कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले लें, खाना ना खाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खाना आप तीन टाइम ज़रूर खाएं, थोड़ा बहुत खाएं, खाएं ज़रूर, ठीक है। और जो सुबह शाम की खुराक है ये बंद नहीं करनी है आपने, ठीक है ना, आया कि शाम को लेट खा रही है, ये खा रही है, तभी मैदे का मसला बनता है यार। सुबह शाम का जो खाना है उसका एक टाइम टेबल रखें, मगरिब की नमाज के बाद खाना खा लें, अगर कोई लेट होता है इशार टाइम खा लें, लेकिन उसके बाद तकरीबन एक मील नहीं तो जनाब आधा मील तो बंदा चल फिर सकता नहीं यार, छत पे चल लें। अगर हमारी बहनें जो घर हैं, जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, वो थोड़ा सा यार घर में थोड़ा सा घूम फिर लें। और इसमें मैंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, जो पुदीने का कहवा आजकल इस्तेमाल करते हैं, जो कहवा है ना यार, ये बहुत बेहतर है यार, मैं बहुत इसका ना टेस्ट भी अच्छा होता है पुदीने का, और कहवा इस्तेमाल करने वाला है जो इंसान होता है ना, उसको कभी मसला नहीं बनतेगा। और उसके बाद जिनको नाफ का मसला बन जाता है, उसको दही इस्तेमाल करना चाहिए सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम कहवा इस्तेमाल कर लें, दही लाजमी इस्तेमाल करें और कहवा, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसका नाफ का भी मसला ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली ये एक छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने ये भी बता दिए, जो स्पेशल जिनको नाफ का मसला बन जाता है,
और जिनको जैसे कि दर्द होती है ना मेडिकल में, तो इसको नहीं कुछ भी समझते हैं कि यार बस स्टमक पेन है, चलो मेडिसिन दे दी। लेकिन देसी तरीके में मेरी अम्मी वो बताती हैं, दादी मेरी बताती हैं अक्सरियत पे, पुत्र यह हो जाना सी, यह हो जाना सी। तो यह सो मैंने कुछ जो टिपिकली टॉपिक्स हैं, अगर आपने कुछ पूछना है तो इस डिस्क्रिप्शन में पूछें, मैं बताऊंगा। ये एक यूट्यूब एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप इधर कोई भी चीज़ ना किसी डिस्कस में लगाएंगे तो वो बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ना बताते हैं, लेकिन वो ना मुझे समझ नहीं आती कि यार वो कुछ चीज़ें बता देते कुछ नहीं बताते। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर सभी भाई जो यूट्यूबर्स हैं मेरे, अगर यूट्यूब देख रहे हैं, तो यार सभी भाई कोशिश किया करें कि टोटल सबको ही ना बताया करें, हर चीज़ क्लियर बताया करें। तो मेरी तो कोशिश जो होती है भाई, मैं वो कंप्लीट करता हूँ। तो आपने जो कुछ भी मेरे से पूछना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बता दें, पूछ लें। अगर कोई मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उसके लिए माजरत है। बाज़ मैं इतना व्लॉगर नहीं हूँ, एक छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ, तो उसके लिए आप जो है ना मेरी वीडियोस देख, अगर जब देखते हैं तो जब कोई गलती कोताही होती है तो उसके लिए यार मुझे बता दिए करें। तो सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आपको कुछ भी मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम लगती है या कुछ मामला लगता है तो मुझे बताएं लाजमी। अगर मेरी वीडियो फिट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी वीडियो सही जा रही है, मतलब आप एक टॉपिक वीडियो बनाते हैं। तो अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।